हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कैश एजुकेशन। आज हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट में एक पिक्चर या इमेज कैसे डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नई स्लाइड लीजिए और यहाँ ऊपर के मेन्यू में से इंसर्ट पर क्लिक करिए। इंसर्ट के नीचे ही आप पिक्चर्स देखेंगे, उस पर क्लिक करिए। अब देखिए एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ पर आप अपने पिक्चर डाल सकते हैं। तो आप अपना पिक्चर ढूँढेंगे कहाँ पर है, उस पर क्लिक करेंगे और नीचे इंसर्ट पर आप फिर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका पिक्चर आपकी स्लाइड पर आ चुका है। अब पहली चीज़ हम सीखेंगे कि इस पिक्चर की जगह कैसे चेंज करी जाए। तो आप देखेंगे कि ये फोर एरो वाला जो कर्सर है, जिसे हम पहले के वीडियो से जानते हैं, उसे डबल क्लिक करके अपने टचपैड से हम मूव कर सकते हैं। तो इसे मैंने इस जगह पर सेट किया है। अब ये जो वाइट सर्कल्स आप देख रहे हैं, इससे आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। तो आप डबल क्लिक करिए उस पर, उन सर्कल्स पर, और डबल क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक प्लस साइन आती है। इस प्लस साइन जब आए, तब आप पिक्चर को खींच कर बड़ा या छोटा कर सकते हैं। मैं फिर से इसे स्लाइड के बीच में लेके आऊँगी। अब जो साइड वाले सर्कल्स हैं, राइट और लेफ्ट हैंड साइड वाले, आप उस पर डबल क्लिक करिए। प्लस एरो आने पर आप पिक्चर को खींचिए उस डायरेक्शन में। तो आप देखेंगे आप उसको एकदम चौड़ा कर सकते हैं या एकदम पतला कर सकते हैं। दूसरी तरफ के सर्कल से भी आप यही एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने इमेज की साइज़ में से, और ऊपर और नीचे वाले भी। अब आप देखेंगे कि जो चार कॉर्नर वाले सर्कल्स हैं, उस पर आप डबल क्लिक करिए, प्लस साइन आएगी। अब जब आप इसकी साइज़ चेंज करेंगे, तो आप देखेंगे पिक्चर का लेंथ और ब्रेथ साथ में कम हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप अपने पिक्चर का डायमेंशन चेंज ना करना चाहें, तो उसे ऐसे चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये फोर कॉर्नर वाले एरोस का ही यूज़ करते हैं, ताकि पिक्चर का लेंथ और ब्रेथ चेंज ना हो, वो सिर्फ छोटा बड़ा हो सके। अब हम देखेंगे यहाँ काफ़ी सारा एक्स्ट्रा स्पेस है, तो अगर मुझे कोई अननेसेसरी पार्ट अपने पिक्चर में से निकालना हो, तो मैं कैसे कर सकती हूँ। मैं पिक्चर को सिलेक्ट करके ऊपर फॉर्मेट में जाऊँगी, और फॉर्मेट के नीचे आप देखेंगे क्रॉप ऑप्शन है, तो उसे क्लिक करिए। जैसे ही आप क्रॉप को क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि ये ब्लैक कलर के लाइंस आ गए हैं आपके पिक्चर के सर्कल्स के उधर। अब आप इस पर कर्सर लाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये ब्लैक कलर का टी है, उल्टा टी, उसे डबल क्लिक करिए, प्लस साइन आएगी, फिर आप उसे ड्रैग करिए नीचे की तरफ, और जहाँ तक आपको पिक्चर कट करना है वहाँ तक करिए। फिर आप क्रॉप पर क्लिक करिए, तो आप देखेंगे इमीडिएटली आपका ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट कट हो चुका है। तो इस तरीके से हम पिक्चर का क्रॉप कर सकते हैं। मैं आपको एक और बार बता सकती हूँ, ये साइड का हम क्रॉप करेंगे। आप क्रॉप पे क्लिक करिए, ब्लैक लाइन आएगी, उल्टा टी है, उसे डबल क्लिक करिए, प्लस साइन आएगा, फिर उसे अंदर की तरफ ड्रैग करिए और छोड़ दीजिए। फिर क्रॉप पर करिए, तो आप देखेंगे वो पार्ट कट हो चुका है। इस तरीके से आप अपने पिक्चर के एरिया को चेंज कर सकते हैं। अब अगर आपको पहले फिर से वो पिक्चर की जगह चाहिए, तो आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे, वैसे ही लाइंस आ गई हैं, और आप देखेंगे कि जो पहले का पार्ट है कट हुआ, वो फिर भी है। आप उल्टा टी पे क्लिक करेंगे, और जब आप प्लस साइन को खींचेंगे, आप देखेंगे कि वो जगह वापस आ चुकी है। तो इस तरीके से हम पिक्चर को कट कर सकते हैं अपने चॉइस से। हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं साइज में अपने चॉइस से, और मूव कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान सा वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।